खबर देहरादून से है, जहां सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा दौड़ गए हैं। इस दौरान ई रिक्शा चालक अपनी मनमानी भी कर रहे हैं। देहरादून शहर के कई मुख्य चौराहों पर ई रिक्शा चालक सवारी बैठाने के लिए कई रिक्शे लगा देते हैं, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो जाता है। आरटीओ देहरादून सुनील शर्मा से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि राजधानी देहरादून के 7 रूटों पर ई रिक्शा का संचालन प्रतिबंधित किया गया है। अगर ई रिक्शा प्रतिबंधित रूटों पर पाए जाते हैं तो पुलिस द्वारा उनका चालान किया जाता है। साथ ही 3 बार पकड़े जाने पर ई रिक्शा का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाता है। सुनील शर्मा ने 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति का रिक्शा चलाता हुआ पाया जाता है तो आरटीओ द्वारा रिक्शा चालक के ओनर पर कानूनी कार्रवाई करते हुए 25,000 का जुर्माना वसूला जाएगा। ई रिक्शा का संचालन केवल डोर टू डोर कनेक्टिविटी के लिए किया गया है। अगर नेशनल हाईवे, मेन हाईवे या फिर ऐसे मार्ग जहां ई रिक्शा प्रतिबंधित है और वहां पाया जाता है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, ई रिक्शा के संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ई रिक्शा का हमारे ऐसे 7 रूट हैं देहरादून के अंदर, जिनको कि जहां पर उनका संचालन बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर ई रिक्शा इन्हीं रूटों पर चलते हुए पाए जाते हैं तो इनका पुलिस के माध्यम से चालान होता है। पहली बार पकड़े जाने पर 500 रुपए, दूसरी बार पकड़े जाने पर 1,000 रुपए और तीसरी बार पकड़े जाने पर 2,000 रुपए, और इनका जो ई रिक्शा का लाइसेंस है वो भी कैंसिल कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई कम उम्र का बच्चा ई रिक्शा चलाता हुआ पाया जाता है तो उसमें हम लोग जो गाड़ी का ओनर है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और वो जुर्माना 25,000 रुपए तक का होगा।